आदित्य प्रजापति, मेरे यूट्यूब चैनल आर एस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे विद्युत मोटर आई की सप्लाई के बारे में। इसकी सप्लाई कितनी आती है इनपुट में और इसका जो कोयल से आउटपुट निकलता है और डोर ड्राइव के इनपुट आता है वो कितनी सप्लाई आती है, वो एसी आती है डीसी आती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विद्युत डोर ड्राइव की जो इनपुट सप्लाई आती है वहाँ पर आपको दिखाऊँगा। ये वाला अपना जो कनेक्टर है D1 वाला जो कनेक्टर है, यहाँ पे आपको D1 और D2 कनेक्टर दिखेंगे विद्युत डोर ड्राइव पे। D2 अपना डोर ड्राइव के कनेक्शन होते हैं जो CIL वाले, और D1 वाला अपना जो सप्लाई का कनेक्शन होता है। तो ये D1 कनेक्टर अपन ने यहाँ पे लगा रखा है। तो इसमें अपन सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे कि इसमें कितनी सप्लाई आती है। ये D1 वाले में सप्लाई आती है अपने दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि D1 वाले में सप्लाई अपनी रहेगी 220 AC सप्लाई आती है यहाँ पे, और ये यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी अपने इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको समझा देता हूँ सप्लाई जो कितनी आनी चाहिए। इसको एसी पर रखेंगे तो एसी सप्लाई आएगी इसमें, तो मैं यहाँ चेक करवाता हूँ आपको। ये जो दोनों टर्मिनल है ये वाले, यहाँ पे देखिए आपको टू ड्राइव यहाँ पर दिख रहा होगा मल्टीमीटर में 261 वोल्टेज, मतलब वोल्टेज हाई आ रहे हैं, जबकि यहाँ 230 सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज थोड़े बढ़ के आ रहे हैं सब इसमें, तो 230 से ऊपर सप्लाई होनी चाहिए, 220 से ऊपर, 220 230 240 तक अपनी यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। तो ये इनपुट टर्मिनल है D1 वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे अपनी पैनल से जो सप्लाई आ रही है डोर ड्राइव के लिए वो यहाँ आएगी। इसके बाद यहाँ से सप्लाई अपनी जाएगी दोस्तों, सप्लाई यहाँ पे इस जो के ये जो कॉइल लगी है इस कॉइल के अंदर आएगी। ये कॉइल में सिंगल फेस आएगा और यहाँ से ये कॉइल निकालेगा अपना तीन फेस निकालेगा 24 वोल्ट और इसके अलावा 48 वोल्ट है। तो 48 वोल्ट अपना 52-53 वोल्ट के करीब होता है और 24 वोल्ट होगा अपने 27 वोल्ट के करीब, पर यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो ये कॉइल भी सप्लाई ज़्यादा अपनी निकालेगा। तो अपन इसकी सप्लाई चेक करेंगे। ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे यहाँ पे सप्लाई आ रही है दोस्तों, तो इस टर्मिनल पे यहाँ पे साइड में 1, 2, 3 करके लिखा होता है, हाँ आपको दिखा होगा 1, 2 और 3, 1 पे ब्लू कलर का वायर लगा होगा, 2 पे रेड और 3 पे रेड। तो इनमें ये सप्लाई होगी, तो इस पे सप्लाई क्या होगी वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ब्लू और रेड में क्या सप्लाई आती है, यहाँ पे भी एसी ही सप्लाई ही मिलेगी। आप सोचोगे यहाँ पे डीसी सप्लाई मिलेगी, नहीं दोस्तों, कोयल सिर्फ एसी को एसी में ही कन्वर्ट करती है स्टेप, ये प्रकार से ट्रांसफार्मर का काम करता है जो सप्लाई को स्टेप डाउन करता है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है, कोयल अपने 220 वोल्ट को तीन फेज में कन्वर्ट कर रहा है और तीन टर्मिनल में कन्वर्ट करके तीनों को एक में 24 24, दो में तो 24 24, एक और एक में अपना फेस टू फेस आएगा एक में 48 वोल्ट। तो ब्लू और रेड, स्टार्टिंग ब्लू और मिडवे बीच वाला रेड में अपन सप्लाई चेक करेंगे तो 32 आ रहा है, यहाँ पे अपना 24 से 27 वोल्ट आना चाहिए, पर यहाँ पे सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, 261 आ रही थी 230 की जगह, इस वजह से ये सप्लाई बढ़ के आ रही है, आपको मल्टीमीटर में सप्लाई दिख रही होगी। फिर इसके बाद ब्लू और नीचे वाले रेड में अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट आना चाहिए, 24 से 27, तो यहाँ पे भी 32 वोल्ट आ रहा है, सप्लाई बढ़ी हुई है, इस वजह से सप्लाई बढ़ के आ रही है। चलो इसकी वजह से अपना डोर ड्राइव जल भी सकता है दोस्तों, पर यहाँ पे साइड पे इतनी है, क्लाइंट को बोला भी अपने की सप्लाई ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा इसका ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आ रहा है वो थोड़ा स्टेप अप है, तो उसको स्टेप डाउन करवाएंगे इनसे RSCB वाले से। फिर इसके बाद अपन चेक करेंगे कि रेड में, अपन ने ब्लू से रेड और रेड दोनों रेड चेक करे, उसमें 24 वोल्ट आना चाहिए 24 से 27, और रेड में अपन चेक करेंगे तो 48 से 53 के बीच आना चाहिए, तो यहाँ पे 64 वोल्टेज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 64 वोल्टेज 64 दोस्तों 64-63 के करीब यहाँ सप्लाई आ रही है। तो इन दोनों में तो आ रही है, इनमें तो आती है फेस टू फेस 48 से करेंगे अपन तो ये 53 के करीब आती है, पर यहाँ सप्लाई बढ़ी हुई है इस वजह से इतनी आ रही है, और इनमें 24 वोल्ट आती है, इसमें भी 24 वोल्ट आती है, तो बढ़ के आ सकती है सप्लाई। तो इस प्रकार से ये सप्लाई चेक करें, फिर इस कनेक्टर को अपन वापस यहाँ लगा देंगे तो अपना डोर ड्राइव ऑन हो जाएगा। डोर ड्राइव जैसे ही ऑन होगा ये अपन ने कनेक्टर लगा दिया, LED अपनी जल गई है दोस्तों स्टेट वाली,
और डोर ओपन है, डोर ओपन लिमिट वाली, और इसके अलावा पावर वाली। तो अपन क्लोज करते हैं, ये अपन ने क्लोज कर रहा है, ये डोर क्लोज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सप्लाई लगाएं, और बाकी ट्यूनिंग की और इनकी प्रोसेसिंग मैंने पहले वीडियो डाल रखा है डोर ड्राइव का, और इसको अपन रिपेयर भी करते हैं डोर ड्राइव को। अगर किसी की दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे को कमेंट में आप डाल सकते हो कि किसी को भी रिपेयर करवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार के मदर कार्ड हो, डोर ड्राइव हो और ड्राइव हो, इनको अपन रिपेयर भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू थैंक्स।